आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर एडीजे न्यायालय ने आजम, उनकी पत्नी और अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सांसद आजम खान के पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम पर गलत जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसके आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर पुलिस ने धारा 427, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तजीन फातमा भी अपने बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में आरोपी हैं।